जिले के मुकरने वाले सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हमने माननीय जो प्रधानमंत्री हैं भाजपा सरकार के नरेंद्र मोदी, उनको हमारी सारी महिलाओं ने अपने खून से पत्र लिखा है, क्योंकि ये हमें नौबत क्यों आई। जो सरकार ने हमसे वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में, और उसके बाद जो मैंने मुंडन करवाया था, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार के पदाधिकारी हैं, एक राजा हैं और एक राजा होने के नाते एक नेतृत्व कर रहे हैं पूरे हरियाणा का, और उसके मुंह से एक एक वर्ड्स की कीमत होती है। उन्होंने हमारी 17 फरवरी को मीटिंग हुई थी, और 18 फरवरी का आप 2018 का अखबार उठाइए, उसमें उन्होंने वादा किया था कि भाई आपको समान काम समान वेतन देंगे। तो उस वादा खिलाफी के विरुद्ध सरकार ने जो हमारे साथ धोखा किया है, उसके लिए आज हम फिर से आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारा एक गेस्ट भाई और हम सभी बहनों ने मिलकर प्रधानमंत्री को खून से लेटर लिखा है, ताकि सरकार उस वादे को पूरा करे और हमें नियमित करे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमित होना। हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि हमसे सन 2014 में जो वादा रामविलास जी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने वादा किया था, जिनसे हमें पूरी तरह से दरकार थी कि ये अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन वो हमें झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सबसे पहला झूठ के 100 बंदे आपके काम पे लगाए हैं, चलो कोई बात नहीं, काम पे लगाए थे, उसके बाद क्या काम किया कि हमारे साथियों को सरप्लस कह के हटवा दिया। फिर इस सरकार के झूठ बोलने की इंतहा देखें, वो हमें कहते हैं कि सुरीना राजन एफिडेविट देके गई है। यदि सुरीना राजन एफिडेविट देके गई थी, 3581 को निकाल दिया था, तो अब उन हलफनामों का क्या है कि अब भी गेस्ट टीचरों को रखे बैठे हैं। यदि आप नियमों को ताक पर रख के हम 13,000-14,000 लोगों का शोषण, हम लोगों के पेट को काट काट कर आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं, अपने मानते बढ़ाते जा रहे हैं, 100 गुना आपने अपनी पेंशन को कर लिया है, 100 गुना सारे विधायकों ने अपनी तनख्वाह को कर लिया है, 370 धारा जो आज तक लगी हुई थी वो किन नियमों को ताक पर रखकर हटा दी गई है, जिसमें आपने अपने बहुमत का पूर्ण रूप से प्रयोग किया है। तो क्या वो प्रयोग, जो पूर्ण बहुमत है उसका प्रयोग, ये जो शोषित परिवार हैं, ये जो 13,000 परिवार हैं जिनमें से शहीद राजरानी जो 8 सितंबर को शहीद हो गई थी, सरकारों की गलतियों से हम नहीं जानते कि किस समय कौन सी सरकार थी। सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है और हमारे लिए चुनी जाती है। हमें हुड्डा में गलतियां नजर आई तब हमने बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी उस पूर्ण बहुमत का प्रयोग करके हमारे साथ अटखेलियां क्यों खेल रही है।